हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बच्चिया एंड डी प्लैनेट रिएक्ट्स। तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है विशाल, मैं हूं चैताली। गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो, टाइगर श्रॉफ रोस्ट, बॉलीवुड रोस्ट। ट्रिगर्ड इंसान की वीडियो है और काफी तगड़ी होती है। हमने की एक दो वीडियो, यस, और देखते हैं यार इसमें अभी क्या दिखाया गया है क्या नहीं है। तो वीडियो तो हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, और जाते जाते वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। एक काम करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, देन उसके बाद बात करते हैं। तो काउंट डाउन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। प्रियाति, तुम्हें छोड़ देता हूं, मेरे भाई प्रियाति, तुम्हें मत देता हूं। टाइगर श्रॉफ की नई मूवी का टीजर आया, जिसको अगर तुम देखोगे तुम बोलोगे अरे ये तो टाइगर श्रॉफ की हर दूसरी मूवी है। हीरोपंती 2, बागी 2, बागी 3, बागी 4, बागी 59,679, जो मर्जी बोल लो, बात तो एक ही है। मगर क्यों? आपको पैसा चाहिए। टाइगर श्रॉफ न्यू मूवी स्क्रू ढीला फिल्म अनाउंसमेंट। आज संडास दिखाता हूं। मैं पीटी टीचर हूँ इंडिया, अखिलेश मिश्रा। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है अखिलेश मिश्रा। आपको कोई गलत फहमी हुई है सर? तुम लोगों ने हीरोपंती 2 देखी है? चाचा मैंने देखी है, अफसोस देखनी पड़ी वीडियो बनाने के लिए। प्रभु देवा की महिमा चौधरी देख अखिल, तू बच गया। तो हीरोपंती 2 का स्टार्टिंग सीन यही है, आई एम बबलू, आई एम सिंपल मैन, ब्ला ब्ला ब्ला, गेट्स हिज एस बीटन, एंड देन आई एम द बिगेस्ट साइबर सेल समथिंग समथिंग हैकर फ्रॉम इंडिया एवर। और फिर वो 4-8 हजार करतब करता है, कुदियां कुदियां मारता है। तेरे बाप ने कभी सिखाया था? मैंने देखा, एंड आई वाज लाइक इसमें और उस सीन में कोई फर्क बताओ। क्या करूं यार, सबको आती नहीं मेरी जाति नहीं। कौन बनाया ये लैंग्वेज, किसने बनाया, लाओ मेरे पास। ओ माय गॉड, टाइगर श्रॉफ है, विलन है, और विलन ने हीरोइन को किडनैप कर लिया है। अब क्या करेगा हमारा टाइगर? 3-4 हजार कर्तव्य करेगा। होली शिट, टाइगर श्रॉफ ऐसी चीजें कर सकता है, वो पता ही नहीं था। वाओ ब्रो, ओ माय गॉड, अब आगे आई वंडर क्या होगा, क्या टाइगर इन सब गुंडों को गुलाटिया मारते मारते ऐसी ऐसी ऐसे करतब करते करते मार तो नहीं देगा कहीं? गोलियां चल रही है और काला टाइगर छलांगे लगा रहा है लाते खोल खोल के। ये ऐसा सीन तो मैंने कहीं कहीं भी नहीं, बस टाइगर की पिछली हर मूवी में क्यों देखा है। छोड़ी बच्ची हो क्या? भाई कोई मुझे बताओ कि ये बागी 1, 2, 3 हीरोपंती 2 से कैसे डिफरेंट है? वेरी गुड क्वेश्चन, बट योर क्वेश्चन हर्ट मी। आई वंडर अब क्या होगा, उसने टाइगर श्रॉफ के चाकू मार दिया है। ओह शिट, मैं सोच रहा हूँ क्या होगा, कहीं टाइगर इसको कूट तो नहीं देगा, ऐसा जैसे ये बंदे की कोई औकात ही नहीं है। उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा। ये सीन तो मैंने कहीं देखा ही नहीं है, किसी मूवी में भी नहीं। ये वाला ये वाला ये वाला ये लास्ट वाला दो तीन चीजें मिस कर गया, लात खोल के वाली चीज, हवा में उड़ते उड़ते वाली चीज। टाइगर हैज सो मच पोटेंशियल, जैसे कि वॉर मूवी में दिखाया था, वेयर द फोकस वॉज ऑन हिज कैरेक्टर मोर देन द एक्शन। ऑनेस्टली तुम ये नहीं बोल सकते कि गलती बनाने वालों की है, उसको ऐसी रोल्स देते हैं, ये वो है। अरे डूड, वो क्या कोई छोटा बच्चा है क्या? मेरा बच्चा है। अपने हिसाब से कोई मूवी नहीं सेलेक्ट कर सकता, उसको कमी नहीं होगी फिल्मों की, दिखता सही है, एक्शन कर लेता है, एक्टिंग का थोड़ा सा है, मतलब आई डोंट नो इतनी अच्छी एक्टिंग है या नहीं है। आया, आया।
I don't think टाइगर को कोई फिल्म्स की कमी होगी, तो अच्छी स्क्रिप्ट भी साइन कर सकता है। ज्यादा दिमाग नहीं है हमारे पास, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। आई फील दैट ऑल ऑफ टाइगर श्रॉफ मूवीज शुड बी अ सीक्वल टू बागी। एग्जैक्टली, आई मीन सेम कॉन्सेप्ट, सेम स्टोरी, सेम एक्टिंग, सेम फ्लिप, सेम एक्शन, हर एक चीज सेम। इनको क्या ही पता है। टाइगर इज सच अ फियरलेस एक्टर व्हेन इट कम्स टू चूजिंग मूवीज। ही हैज नो फियर ऑफ बीइंग टाइपकास्टेड इनटू सिंगल रोल। हर मूवी में एक ही रोल करने में भाई को डर ही नहीं लगता। कुछ तो शर्म करो। कैन यू जस्ट लाइक मेक अ मूवी जिसमें फॉर वंस यू एक्चुअली एक्ट rather than do 100 फ्लिपे हवा में, लाते खोल खोल के विलनों को हवा में ताड़ तूड़ तूड़ मारना। अरे ठीक है भाई, I am saying this as a guy जो हर मूवी थिएटर पे देखता है। पोस्ट पैंडेमिक जितनी मूवीज बॉलीवुड की रिलीज हुई है, 3 मूवीज बता दो जो तुम्हें देख के लगाओगे हाँ यार बॉलीवुड ने क्या मूवी बनाई है। बॉलीवुड की सिर्फ एक मूवी हिट हुई है पोस्ट पैंडेमिक एंड दैट इज भूल भुलैया 2। इसके अलावा कोई मूवी ने अच्छे पैसे नहीं कमाए हैं, और अगर कमाए भी है तो अपनी बजट से कम ही कमाया है, सो फ्लॉप ही है वो टेक्निकली। मतलब बॉलीवुड की आई रिसेंटली वॉच शमशेरा, आई हैड ह्यूज एक्सपेक्टेशंस। मैन रणबीर, ही इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर, तो मुझे था कि मूवी अच्छी होगी। इट्स अ डिजास्टर। अगर तुम रणबीर कपूर के फैन हो, यू विल बी सो डिसअपॉइंटेड के वो चूना लगा दिया। तुम्हें ऐसे लगेगा बाहुबली / अग्निपथ देख रहे हो तुम, वो भी कम अच्छी। तुमने अगर अग्निपथ देखी है ना, उसका जो क्लाइमैक्स सीन होता है जिसमें ऋतिक रोशन चीना को पेड़ से लटका के वो अग्निपथ वाला डायलॉग बोल रहा होता है, गूज़बम्स आते हैं उस सीन को देख के। सेम टू सेम क्लाइमैक्स सीन है इस मूवी का, बट कोई इंपैक्ट नहीं है। ओह यस 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 यस, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट। इवन दो रणबीर ने अपनी जान लगा दी मूवी को चलाने के लिए, बट हर 5-6 मिनट में गाने बिना बात के बेवजह घुसाए हुए आइटम सॉन्ग्स। भाई 2016-17 में शायद लोग देखते थे आइटम सॉन्ग्स मूवीज में, लेकिन अभी नहीं। हर दूसरे मिनट में आइटम सॉन्ग डाल देते हैं बिना बात का। पोस्ट पैंडेमिक कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री होगी तुम्हारी, तमिल, तेलुगु, कोई फिल्म इंडस्ट्री उठा के देख लो, साउथ वाली, सारे ऐसे ऐसी मूवीज बना रहे हैं। विक्रम देख लो, KGF 2 देख लो, पुष्पा देख लो, RRR देख लो, ऐसी ऐसी मूवीज आ चुकी है पोस्ट पैंडेमिक, एंड बॉलीवुड एक हिट मूवी नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि ये अभी भी वही अटके हुए हैं। रोमांस रोमांस रोमांस, हर चीज में रोमांस घुसा देंगे। हर मूवी में सिर्फ रोमांस ही होता है और कुछ होता ही नहीं है, स्टोरी तो कुछ है ही नहीं है, या फिर रीमेक पे रीमेक बनाते रहेंगे। लाल सिंह चड्ढा देख लो, 1998 की एक मूवी है फॉरेस्ट गम, उसका रीमेक कर दिया। वो इतनी ज्यादा पॉपुलर मूवी थी, 6 अकेडमी अवार्ड जीती थी, तो जिस जिसने ओरिजिनल देख रखी है वो कह रहा है भाई अब हम रीमेक देखने क्यों ही जाएंगे। इसी वजह से देख लो अब लाल सिंह चड्ढा की तुम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पहले 2 दिन की। अब ऐसे ही तपसी पन्नू की एक मूवी आ रही है दोबारा नाम की, मैंने वो टीजर देखा उस मूवी का, एंड आई वाज लाइक ये मूवी तो मैंने देखी हुई है कहीं ना कहीं, और फिर पता चलता है भाई नेटफ्लिक्स पे ही मिल जाएगी तुमको। मिराज नाम की एक मूवी है, 2018 में आई थी, स्पेनिश मूवी, उसका रीमेक है। यार वो जमाना चला गया है जब हमारे इंडियन मेकर्स जो थे ये कोरियन और फ्रेंच स्पैनिश मूवीज के रीमेक कर देते थे ये सोच के कि किसी को क्या ही पता चलेगा। इंटरनेट का जमाना है, सबको सब कुछ पता चल जाता है। एक आपकी कबीर सिंह रीमेक करके हिट हो गई, इसका मतलब ये नहीं आप हर मूवी का रीमेक ही बनाना शुरू कर दो। फॉरेन कंट्रीज की मूवीज का तो क्या रीमेक करना, अब साउथ की मूवीज का उठा उठा के रीमेक करे जा रहे हैं। बाहुबली और KGF के भी रीमेक आ रहे होंगे सोचो। जैसे ही शमशेरा मूवी स्टार्ट होती है, पहला 15 मिनट तुम्हें लगता है कि चलो मूवी अच्छी होने वाली है। भाई जो रणबीर का जो शमशेरा वाला रोल होता है, यू लाइक दैट, तुम्हें मजा आ रहा होता है वो देख के। लेकिन स्टोरी जैसे ही फास्ट फॉरवर्ड होती है, शमशेरा का बेटा आ चुका है, जिसकी एंट्री कैसे होती है, एक गाने के साथ। चलो ठीक है भाई, कैरेक्टर इंट्रोडक्शन में गाना आ गया। 2 मिनट बाद वो हीरोइन का इंट्रोडक्शन होता है, उसका गाना आ गया। 2 मिनट बाद दोनों मिल रहे हैं, उस पे गाना आ गया। 2 मिनट बाद एक पार्टी में जब वो फंक्शन है वहां पे गाना आ रहा है। मतलब गाने 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 गाने, OTT का जमाना है, लोग भाई फास्ट फॉरवर्ड वाले बटन पे उंगली रख के बैठे होते हैं, टप 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 करके देखते हैं। वहां पे तुम्हें लगता है कि वो बंदा कोई बेवजह घुसाया हुआ आइटम सॉन्ग सुनने में इंटरेस्टेड है, जिसपे हीरो हीरोइन अश्लील हरकतें कर रहे हैं पानी में। मजाक नहीं कर रहा, मैं आईनॉक्स चला गया था यार, 1000 रुपए की टिकट थी आईनॉक्स की, मैं इसलिए वापस उठ नहीं पाया। वरना मैं अपने लेजिट जिस फ्रेंड के साथ देखने गया था कुणाल, मैंने पूछा भाई चले, एंड आई कुडंट बिलीव इट, उसने भी बोला यार चलते ही है, क्या देख रहे हैं। 40 मिनट तक तो मैं ऐसे ही था भाई मूवी के, चल ही लेते हैं वापस। फिर उसके बाद मूवी थोड़ी सी स्टोरी पकड़ती है, तब लगता है कि चल ठीक है। एंड अब ये देखो, ये अपने टाइगर भाई, वही सेम मूवी बार 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 नाम बदल बदल के बनाई जा रहा है यार ये बंदा। इस मूवी की स्टोरी बता देता हूं मैं, यहाँ पे जो इन्होंने ये लड़की दिखाई थी ना, जिसको देख के ये एकदम से पकला गया था। इस मूवी की स्टोरी, टाइगर श्रॉफ एक बहुत ही शरीफ बंदा है, सब सही चल रहा होता है, लेकिन उसके बाद कुछ हो जाता है जिसके चलते इसकी जो गर्लफ्रेंड होगी
होगी, प्रोबेबली दिशा पटानी होगी, या फिर आजकल वो जो नई लड़की आई है तारा सुतारिया, इन दोनों में से कोई एक ही होने वाली है। उसको कोई गुंडा पकड़ लेगा, उसको मार मूर देगा, उसके याद में भाई टाइगर जी जो है वो अब उनका स्क्रू ढीला हो चुका है, 40,000 गुंडों को पीटेंगे हवा में उड़ते उड़ते, बैम बूम बाम बींग, यही बस यही चलेगा, ये यही रहेगा। ओ ये देखो मैं लत खोड़ के हवा में भाई गुम्मे मार रहा हूँ, ये करेगा पूरी मूवी में, हो गई भाई मूवी खत्म। मेरी पर्सनल ओपिनियन में साउथ वाली मूवीज हो या बॉलीवुड की मूवीज हो, इट्स ऑल द सेम मेरे लिए, इट्स ऑल इंडियन सिनेमा। मैं तो तब से साउथ वाली मूवीज देख रहा हूँ, अपरिचित, डॉन नंबर वन, किंग नंबर वन, मगधीरा, तुमने तो शायद नाम भी ना सुने हो इन सब मूवीज के, लेकिन पता एक टाइम था जब हम साउथ मूवीज को उनके एक्शन सीन्स के लिए ट्रोल करा करते थे, मैंने खुद भी काफी वीडियोस बनाई है, बट विद टाइम आई फील साउथ वाली मूवीज जो है वो बेटर होती जा रही है, वो क्वालिटी में इंप्रूव होती जा रही है, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वो बढ़िया बढ़िया कॉन्टेंट बना पा रहे हैं। बट बॉलीवुड समहाउ वहीं पर ही अटका हुआ है, क्यों? क्योंकि भाई किसी ना किसी तरीके से somehow I don't know कैसे हर मूवी का फोकस जो है वो रोमांस हो ही जाता है, और जहां पे नहीं भी होना चाहिए, जिस मूवी में रोमांस नहीं भी होना चाहिए वहां भी डाल ही देते हैं लव एंगल, और वो नहीं तो एक ब्रह्मास्त्र तो है ये रीमेक, उठाओ कोई भी मूवी और बना दो रीमेक। ऑल्सो इससे पहले तुम गलत ले लो, मैं ये नहीं कह रहा कि बॉलीवुड बिल्कुल अच्छी मूवीज नहीं बना रहा है, ऑब्वियसली OTT पे बहुत अच्छी अच्छी मूवीज आ रही है, बट यहाँ पे मैं बिग बजट वाली मूवीज की बात कर रहा हूँ, लाइक KGF RRR वाले स्केल पे। सो आई जस्ट होप ब्रह्मास्त्र जो की नेक्स्ट मंथ रिलीज होने वाली है, आई जस्ट होप वो एक बहुत ही ज्यादा प्यारी मूवी हो, एंड आई जस्ट होप कि हमारी बॉलीवुड मूवीज कैन रिटर्न टू द ग्लोरी डेज, जब चक दे इंडिया, थ्री इडियट्स, मुन्ना भाई MBBS जैसी क्लासिक मूवीज बना करती थी। आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो एकदम पुराने वाले स्टाइल में, इफ यू डिड मेक श्योर टू लाइक इट, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो यहाँ पे वीडियो खत्म भाई, तगड़ा वीडियो था, ट्रिगर्ड इंसान जबरदस्त वीडियो बनाते और खतरनाक किया है वो, मतलब ये टाइगर श्रॉफ का है, एक्चुअली उनमें बहुत पोटेंशियल है यार, तगड़ा काम करते हैं, लेकिन हाँ यार, लेकिन सिलेक्शन का थोड़ा उन्होंने अगर उस पे कुछ काम किया। मैंने बोला था आपको कि एक जैसी मूवी हो रही है, एक्शन सब एक जैसे हो रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो थोड़ा सा और होता क्या है ना कि अभी बॉलीवुड का जो है सब रीमेक कंटिन्यूअसली रीमेक चल रहा है, तो अच्छी मूवीज नहीं आ पा रही है, क्योंकि जो ऑलरेडी अच्छी मूवी है वो ही लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं देखना, जैसे अभी साउथ में काफी अच्छी अच्छी मूवीज बनी है, तो इससे पहले क्या होता था कि कुछ मतलब बाहर की मूवीज रहती थी, कोई स्पेनिश, कोरियन, उसके रिमेक करते, तो इतना पता नहीं चलता था इंडिया में कि वो बाहर है मूवी, लेकिन अभी इंटरनेट पे OTT पे बहुत सारी मूवीज पड़ी हुई है ना हर जगह पे, तो तुरंत पता चल जाता है कि इस मूवी से मतलब इसका ये रिमेक है, उसका वो रिमेक है, तो इसीलिए। और साउथ की अभी बहुत अच्छी अच्छी मूवीज आ रही है, बहुत अच्छी अच्छी आ रही है, तो उसके कंपैरिजन में अभी हिंदी मूवीज, बॉलीवुड की मूवीज इतनी अच्छी नहीं आ रही है, बड़ी बड़ी मूवीज मतलब अभी फ्लॉप के कगार पे, अभी आप तो देख ही रहे, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, और बॉलीवुड ने इस वीडियो से मतलब सीखना चाहिए कुछ कि यार कुछ अच्छा कंटेंट लेके आओ, अच्छा अच्छी मूवीज लेके आओ, बिल्कुल। अभी रिसेंट हमने मूवी देखी थी डार्लिंग, यार है मूवी अच्छी, काफी अच्छी मूवी है, आलिया भट्ट ने काफी तगड़ा काम किया है, तो वो उस टाइप में भी कुछ आप बना सकते हो, कुछ अलग बना सकते हो, वो भी कुछ एक अलग मूवी है, तो इस टाइप की भी मूवीज आप बना सकते हो। ये पता नहीं कि वो किसी मूवी का रीमेक है या नहीं है, लेकिन हमने वो मूवी देखी, मुझे थोड़ी हटके मूवी लगी वो, तो और जैसे उन्होंने कहा शेरशाह, यार क्या मूवी बनाई, जबरदस्त। तुझे पता है कि उस मूवी से पहले ना मुझे भी इतना ऐसा ये नहीं था कि सिद्धार्थ मल्होत्रा, चलो ठीक है यार, कि इश्क वाला लव, वो कौन सा मूवी था यार, बट जो जब मैंने वो मूवी देखी ना शेरशाह भाई, तब से मेरे फेवरेट बन गए वो, काम किया उन्होंने उस मूवी में यार, क्या मूवी बनाई है वो, KR आडवाणी, और सॉन्ग क्या थे मूवी के यार, वो मूवी तो मास्टरपीस है, और ऐसी अच्छी अच्छी बहुत सी मूवीज हिंदी मतलब बॉलीवुड ने हमें दी है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने दी है, बहुत से दी है, तो जैसे वीडियो में भी बताया है ना कि रंग दे बसंती है, थ्री इडियट्स है, मुन्ना भाई है, बहुत सी है, बहुत सी अच्छी अच्छी मूवी, ये मास्टरपीस है यार, इसका तगड़ी तगड़ी मूवीज है, तो होप करते हैं अभी की जैसे अभी रणबीर की आ रही है, शमशेरा का भी हमें इतना ऐसा नहीं लगा था कि मतलब बहुत मेहनत की, लेकिन उन्होंने उनका 100% दिया है, लेकिन अभी वही है ना कि ऑडियंस की टेस्ट भी चेंज हो रही है, अभी सब फास्ट और इसका जमाना है, OTT का जमाना है, तो स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा कंटेंट होगा तो ही वो लोग देखने जाएंगे,
टिकट निकालेंगे हजार हजार रुपए का, तभी देखने जाएंगे। संजू बहुत अच्छी थी, संजू मूवी काफी अच्छी थी, उसमें काफी उन्होंने मेहनत की, बहुत मेहनत की थी, तो ऐसा लगा था कि ये भी शमशेरा भी काफी अच्छी जाएगी। बिल्कुल ऐसा लगा था, बट अभी होप करते हैं यार कि ब्रह्मास्त्र आ रही है यार वो तीन पार्ट में, वो अच्छी निकले। मुझे तो लगता है कि वो मूवी अच्छी रहेगी क्योंकि एक नया एक्सपेरिमेंट होने वाला है इंडस्ट्री में, तो हम तो बस होप ही कर सकते हैं, है ना। तो यार हमें तो वीडियो काफी ज्यादा अच्छा लगा, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यार अभी तक चैनल पे नहीं हो तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक भी कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।